इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जनता लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रही है और इसी के चलते संक्रमण का फैलाव तेजी के साथ फैल रहा है। इसको लेकर IMA और हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लॉकडाउन की तरह नियमों का पालन करने की जरूरत है। हवाओं से भी ये कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके चलते आपको मास्क लगाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, बार बार हाथों को धोएं, भीड़ में जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। IMA सदस्य और हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। इसमें लगातार कोरोना के कहर जारी है, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मरीज मिलते जा रहे हैं। आम नागरिकों को किस तरह रहने की जरूरत है, ये तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, जो हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। देखिए, सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने जो सामाजिक अनुशासन का पालन करने का निर्देश दिया है लॉकडाउन के समय में, वो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे तरह से अपने सामाजिक अनुशासन में नहीं ला पाए हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा केस बढ़ने का कारण यही है, अति निश्चिंतता जो है हमारे देश में पूरे वातावरण में, वो तो एक कारण है ही, लेकिन वायु में कोरोना संक्रमण फैलना एक बहुत निश्चित धारणा है। वायु से फैलना अपने आप में एक निश्चित धारणा है। इसको यह जैसे कहा जाता है कि हमको कोरोना से बचना है तो मास्क लगाए रखें, भीड़ भाड़ एरिया में एक दूसरे से बात करते हैं, मास्क लगाए रखना अच्छी बात है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल कैसे करें? अधिकतर हम देखते हैं तो हर दो मिनट में मास्क को हाथ लगाया जाता है, इस तरह से मास्क का उपयोग हो रहा है, तो मास्क का उपयोग कैसे करें ताकि हम जो लगा रहे हैं, जो सफोकेशन जो हम झेल रहे हैं, उसका सही फायदा मिले। देखिए, अभी तक तो लोगों को मास्क पहनने की आदत हो गई है, आप अपना नाक थोड़ा ऊपर से ढके रहें, चेहरा थोड़ी तक पूरा ढका रहे, मास्क इतना मजबूती से बंधा हो कि आपकी सांस तो आए लेकिन दम घुटने जैसा ना हो, साफ करें, धूप में सुखा लें। एक आंकड़ा हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में सफाई कर्मी आए दिन संक्रमित हो रहे हैं, जो कहीं बाहर की हिस्ट्री नहीं है यही रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संक्रमण का शिकार हो रहा है। और इसका ये कारण बताया जा रहा है कि जो मास्क हम यूज करते हैं उसको जैसे तैसे फेंक देते हैं, उसका डिस्पोज नहीं हो पा रहा है निष्पादन। देखिए, जितने भी PPE किट या मास्क उपयोग में लाए जा रहे हैं मरीजों द्वारा, सफाई कर्मियों द्वारा या हेल्थ वर्कर्स के द्वारा, वो एक निश्चित केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत डिस्पोज ऑफ किए जाने चाहिए, नहीं है इसलिए ये बता पाना कि तैयारी कितनी है। अभी आपने डॉक्टर राकेश गुप्ता को सुना, जिनका साफ कहना है अगर हम नियम कानून का पालन नहीं करते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हम फिर लॉकडाउन के चपेट में आ सकते हैं। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।